ओके स्टार्ट करते हैं। तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हो आप इसे। सो एनसीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। वर्ड्स में याद रखेंगे हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन है ये सब, 5C3, 6C3, 10C6, लाइक 10C6 इज इक्वल टू हेड इज 10 एंड टेल इज 6। सो हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, एंड देन यू विल ब्रेक 10 फैक्टोरियल इन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। दिस 6 फैक्टोरियल, दिस 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये हो गया 3 टाइम्स कैंसिल, कैंसिल। सो फाइनल आंसर इज, सो फाइनल आंसर इज 210। ओके सिमिलरली 20C18, ये भी सिंपल ही है, इसका फाइनल आंसर आएगा 190। इसको आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हो, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस टू, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस टू, सो फाइनल आंसर विल बी हेड इनटू हेड माइनस वन अपॉन टू। क्लियर? 20 इनटू 19 अपॉन टू, सो 10 टाइम्स कैंसिल एंड 19 इनटू 10 इज 119। कोई भी डाउट है तो बताना मेरे को। ओके तो ये स्टडी हम लोगों ने कर ही लिया था लास्ट टर्म पे, तो इसमें तो कोई स्पेशल इशू है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये सब कि नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं। सिमिलरली हेड शुड नॉट बी ग्रेटर देन टेल, क्योंकि जब आप फॉर्मूले के अंदर हेड माइनस टेल करोगे देन यू विल फाइंड माइनस वन फैक्टोरियल विच इज क्लियरली नॉट डिफाइंड। ओके इक्वल हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं, लाइक टेल इज इक्वल टू जीरो आंसर विल बी वन, हेड और टेल सेम देन ऑल्सो आंसर विल बी वन, टेल वन आंसर हेड, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस वन देन ऑल्सो आंसर हेड, टेल टू तो आंसर आता है हेड इंटू हेड माइनस वन अपॉन टू, एंड टेल हेड माइनस टू देन ऑल्सो आंसर हेड इंटू हेड माइनस वन अपॉन टू। क्लियर? तो ये सब हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, एनसी जीरो वन, एनसी एन वन, एनसी वन एन, एनसी एन माइनस वन इज इक्वल टू एन, टेल टू आंसर इज हेड इंटू हेड माइनस वन अपॉन टू, टेल हेड माइनस टू देन ऑल्सो आंसर इज हेड इंटू हेड माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। लाइक 25C0 विल बी 1, दोनों सेम है, यहाँ पे आंसर 1, टेल 1 आंसर हेड, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1 देन आल्सो आंसर हेड यानी कि 200, टेल 2 आंसर विल बी हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, 20 इनटू 19 अपॉन 2, लाइक 10 इनटू 19, सो फाइनली आंसर विल बी 190, 10C8 टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, सो आंसर विल बी हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, 10 इनटू 19 अपॉन 2, 10 इनटू 19 इज 90 अपॉन 2 इज 45। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2n+3c0, टेल 0 है आंसर 1, हेड और टेल सेम आंसर 1, टेल 1 आंसर हेड यानी n+2, अगेन टेल 1 आंसर हेड 2n-3, टेल 2 आंसर इज हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, लाइक n+2 देन n+2-1 इज n+1 एंड देन अपॉन 2, सो फाइनली आंसर इज n+2 इनटू n+1 अपॉन 2। क्लियर? तो ये सब सिंपल ही था, हो गया था लास्ट टाइम पे ये। फिर हम लोग आ गए थे प्रॉपर्टीज के ऊपर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल, लाइक 20C3 दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 20C20-3 एंड 20-3 प्लस 2CN विल बी इक्वल टू n+2C head-tail, n एंड n कैंसिल यानी कि 2, सो n+2CN विल बी इक्वल टू n+2C2। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आ गया था, NCX इज इक्वल टू NCY, टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल बी सेम, फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स शुड बी सेम, X इज इक्वल टू Y, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज बोथ टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। फिर इसमें ये डाउट आता है कि फ्रैक्शनल नंबर एक्स और आर कैन बी फ्रैक्शनल और नॉट, तो फिर मैंने आपको बताया था, देखो वैल्यू ऑफ आर या वैल्यू ऑफ एन मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन ही डिफाइन होना चाहिए, क्वेश्चन ही मैटर करता है बस कि क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन है। लाइक यहाँ पर r इज इक्वल टू 3/2 आंसर आ रहा है, और 3/2 + 1 ये हो गया, 3/2 इज 1.5 प्लस 1 इज 2.5, सो 11C 2.5 विल नॉट बी डिफाइंड। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक्सेप्टेबल आंसर था r इज इक्वल टू 3, लाइक दिस क्वेश्चन के अंदर r इज इक्वल टू 2 है नेचुरल नंबर, तब भी आंसर सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है क्योंकि 2 × 2 = 4 - 5 इज -1 एंड 18C - 1 विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो ये कवर हो गया था लास्ट टर्म पे। हाँ, फिर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ गए थे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का स्टेटमेंट वाइज सुन लो, टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड, इसको आप एडिशन प्रॉपर्टी बोल सकते हो कोफिशिएंट्स का, टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड व्हेन देयर हेड्स आर सेम, मतलब उनका हेड सेम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, और टेल्स के अंदर डिफरेंस होना चाहिए 1। क्लियर? लाइक 5C2 + 5C3 हेड सेम डिफरेंस 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, 5 विल बिकम 6 एंड 2 एंड 3 ग्रेटर है 3, तो 3,
यानी कि 6C3, लाइक 18C6 प्लस 18C7, अगेन दोनों हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल 1 है, तो 18 विल बिकम 19 एंड 6 एंड 7 विल बिकम 7. लाइक दिस क्वेश्चन 10C6 प्लस 2 टाइम्स 10C7 प्लस 10C8, तो आप ब्रेक करोगे दिस 2 टाइम्स 10C7 को 1 टाइम एंड 1 टाइम, लाइक ये हो गया 10C7, फिर 10C7, लाइक 2 एप्पल्स को आप लिख सकते हो 1 एप्पल 1 एप्पल, ठीक है. तो 1 10C7 विल बी एडेड अप विद 10C6 एंड अदर 10C7 will go near by 10C8, clear? And 10C6 plus 10C7, again head same, difference in tail is 1, so head will become 11 and 6 and 7, greater hai 7 to 7. Clear? Like this 10C7 plus 10C8, again head same, difference in tail is 1, so 10 will become 11 and 7 and 8, greater is 8, so 8. Again, aap in dono binomial coefficients ko bhi add kar sakte ho. 11C7 plus 11C8. So, head same hai yahan pe and difference in tail is 1. So, 11 will become 12 and 7 or 8. Greater hai 8 to 8. Dhyan rakhna important hai 12C8 will be equal to 12C4. So, options ke andar 12C8 hai to correct hai, 12C4 hai then also correct. Dono options hai to bhi correct hai. To dono options ek sath correct nahi hote hain. Keval multiple correct questions ke andar hi more than one options correct ho sakte hain. To thoda dhyan rakhna chahiye hum logon ko. Theek hai. तो जैसे सिंपल कंसेप्ट है, सपोज करो आपका आंसर आ रहा है 1 और 1 ऑप्शन में नहीं है लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है 5/5, तो ये भी करेक्ट है. तो वही बात है ना, क्योंकि 1 और 5/5 सेम ही होता है. सिमिलरली 12C8 और 12C4 ये भी सेम होता है. क्लियर? देन ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अगेन 2 टाइम है, इसको 1 टाइम और 1 टाइम में ब्रेक किया. तो दिस इज एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 प्लस एनसीआर प्लस 1 प्लस एनसीआर प्लस 2. Again, both heads are same and difference in tail is 1. So, n will become n plus 1 and r plus 1 greater is r plus 1. So, r plus 1. Next, in dono ke andar ncr plus 1 plus ncr plus 2 heads are same n. So, will become n plus 1. Matlab aap 1 se increase karoge simply. And r plus 1 and r plus 2 greater is r plus 2. So, r plus 2. And in this step, again, both heads are same n plus 1, n plus 1. And one tail is r plus 1, other tail is r plus 2. Clearly both tails ka difference hai 1. R plus 2 or r plus 1 mein one difference hi hota hai. To aap n plus 1 ko 1 se increase karo, n plus 2. And greater tail, r plus 1 or r plus 2 ke andar greater hai r plus 2, to r plus 2. And you can also write head minus tail. Yani n plus 2 c, n plus 2 head minus tail. Yani r plus 2. Clear? 2 and 2 cancel, so n minus r. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्लासिक क्वेश्चन था ये, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं 1, 4, 6, 4, 1, तो आप पेयरिंग करोगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है. तो ये 4 है तो इधर पेयर बनेगा 1, यहाँ पे रिमेनिंग है अभी 3 एलिमेंट्स, दीज 3 एलिमेंट्स, अगेन यहाँ पे रिमेनिंग है अभी 3 एलिमेंट्स, दीज 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे रिमेनिंग है 1 एलिमेंट, सो दिस 1 एलिमेंट. क्लियर? तो ये बन गया था अभी 1 टाइम 20C10 प्लस 20C11 प्लस 3 टाइम्स 20C11 प्लस 20C12 प्लस 3 टाइम्स 20C13 सॉरी 20C12 प्लस 20C13 प्लस 1 टाइम 20C13 प्लस 20C14. क्लियर? 20C10 20C11 अगेन बोथ हेड्स आर सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, सो 22 विल बिकम 23 एंड 10 एंड 11 विल बिकम 11 प्लस 3 टाइम्स. अभी आप इस मिडिल टर्म को ऐड करो दिस टर्म को, तो 20C11 प्लस 20C12, ठीक है. तो 22 सेम, 11 12 डिफरेंस 1, 22 विल बिकम 23 एंड 11 एंड 12 विल बिकम 12. नेक्स्ट दिस 20C12 प्लस 20C13 22 विल बिकम 23 एंड 12 एंड 13 विल बिकम 13 एंड सबसे लास्ट में दिस 22C13 प्लस 22C14 22 will become 23 and 13, 14 will become 14. Clear? Now, coefficients are 1, 3, 3, 1. Now, coefficients are 1, 3, 3, 1. So, aap again pairing karoge abhi yahan par. Okay, to ye idhar pair banega 1, yahan pe remaining hai 2, 2 elements, so 2 pairing aur yahan pe hai 1. Clear? तो ये हो गया अभी 23C11 प्लस 23C12 प्लस 2 टाइम्स 23C12 प्लस 23C13, रिमेनिंग है 1 एलिमेंट, प्लस 1 टाइम 20C13 प्लस 23C14.
So this is 23C11 plus 23C12 will become 24C12 plus 2 times 23, 23 will become 24, 12, 13 will become 13, and sabse last mein 23, 23 will become 24, 13, 14 will become 14. Okay. अभी यहाँ पे सेम ये वही क्वेश्चन बन गया जो इसके प्रीवियस दो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने. दिस इज 24C12 प्लस 2 टाइम्स 24C13 प्लस 24C14. अगेन 24 24 सेम, 25 12 13 13 24 24 सेम 25 एंड 13 14 डिफरेंस 1 ग्रेटर इज 14 सो 14 एंड फाइनली दीस टू आल्सो विल बी एडिंग अप 25 25 सेम 26 13 14 14. So finally answer is 26C14, which can also be written as 26C26 minus 14, yani ki 12. Clear? तो यहां तक हम लोगों ने last class में study कर लिया था. अभी तक कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे move करते हैं अभी. Okay. So next property note करो, property 4, NCR is equal to, देखो लिखना कैसे होता है वो समझ लो, अगेन words में याद रखोगे आप सारी चीजें. लाइक यहाँ पे है हेड एन, टेल है आर, क्लियर. तो ये ऐसे आगे आता है एन और ये डिनोमिनेटर में आता है, क्लियर. और यहाँ पे जब आप एन और आर को आगे लिखोगे तो अभी रिमेनिंग है एन माइनस वन, मतलब हेड माइनस वन, एंड आर विल बिकम आर माइनस वन, क्लियर. लाइक दिस एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रूफ भी देखेंगे इसका. लाइक 20C12, तो 20 को न्यूमिनेटर में आगे लेके आओ, 12 को डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो 20/12, क्लियर. Now 20 minus 1 is 19, 12 minus 1 is 11. तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही होते हैं. काफी एप्लीकेशन है इस प्रॉपर्टी के, क्या एप्लीकेशन है वो भी हम लोग क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, ठीक है. तो 20 हेड न्यूमरेटर में आगे आता है, टेल डिनोमिनेटर में आगे आता है. लाइक कुछ लोगों को ये पता होगा, जैसे लॉगरिथम के अंदर भी log of a to the power m suppose to the base b to the power m, तो m न्यूमरेटर में आगे आता है और ये जो बेस का पावर होता है ये डिनोमिनेटर में आगे आता है, क्लियर. ये पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे हम लोग, अभी रेशो वगैरह हो जाने के बाद फिर लॉगरिथम भी आएगा, ठीक है. तो पता है तो अच्छा है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी इसको देखो बस, है ना. तो हेड को आप एज इट इज आगे लेके आओगे 20 और टेल डिनोमिनेटर में आएगा 12, सो 20/12, 20 - 1 = 19, 12 - 1 = 11, क्लियर. इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है. जैसे NCR is equal to n upon R, n minus 1 CR minus 1. So NCR is n factorial, head factorial upon tail factorial and head minus tail factorial. Clear? Right hand side is n upon R. Again this n minus 1 CR minus 1. Head factorial, tail factorial. टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल. हेड माइनस टेल इज एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, सो वन वन कैंसिल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल दिस. अभी देखो यार बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है, लाइक कहीं पे है 6 × 5 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल. सिमिलरली एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, n into n minus 1 factorial can be written as n factorial, and r into r minus 1 factorial can be written as r factorial. Like suppose करो कहीं पे है 100 into 99 factorial, तो 100 into 99 factorial you can write 100 factorial. ठीक है, तो n into n minus 1 factorial is n factorial, r into r minus 1 factorial is r factorial, and this is remaining n minus r factorial. तो clearly left hand side and right hand side both are same. तो ये clear है कि ये जो property है ये correct है. तो ये इसका proof है. आप एक काम करो, यहाँ इस question तक note करो, फिर next question solve करते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी नोट करो, दिस एग्जांपल नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग.
अगेन सिंपल, ये हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल, एन माइनस वन माइनस ऑफ आर माइनस वन, सो एन माइनस आर. एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इज एन आर एन फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इज आर फैक्टोरियल, एंड रिमेनिंग डिनोमिनेटर इज एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम. तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. बाकी देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n फैक्टोरियल को यू कैन राइट n इनटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो सेम है वो. एंड r फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज r इनटू r माइनस वन फैक्टोरियल, वो भी है यहाँ पे प्रेजेंट. एंड रिमेनिंग इज n माइनस r फैक्टोरियल, दैट आल्सो इज प्रेजेंट हियर. Clear? Like this example, 10C8, you can write 10 numerator, 8 denominator, 10 minus 1, 9, 8 minus 1, 7. So 10C8 equals to 10 upon 8, which is 5 upon 4, times 9C7. मतलब इन दोनों का value same ही आने वाला है. Left hand side और right hand side same ही आने वाला है. This and this, ये same ही आने वाला है. Clear? इस example को note कर लो. भार्गव, एनी डाउट? ओके, क्लियर. अभी ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो, इसको सिग्मा बोलते हैं ना, ये पहले भी आया था. ठीक है, फैक्टोरियल में क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने, सिग्मा आर फैक्टोरियल, आर इज इक्वल टू 1 टू 100, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल, एंड दैट समेशन डिवाइड कर रहे थे हम लोग उसको 20 से, और रिमाइंडर फाइंड करना था. तो सिग्मा का मतलब जस्ट समेशन होता है, यानी ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है. मतलब आर इज इक्वल टू 0 सबसे पहले आप पुट करोगे फुल एक्सप्रेशन के अंदर, देन आर इज इक्वल टू 1, देन आर इज इक्वल टू 2, देन आर इज इक्वल टू 3, और सबसे लास्ट में आर इज इक्वल टू 49, और उन सारे टर्म्स का समेशन. तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, देखो कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को. यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है क्या, वो सोचो. ठीक है, मैं हिंट देता हूँ आपको, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 दोनों यूज होंगे. सोचो तो ये काफी इजी हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन सबसे लास्ट में. करो देखो क्या ट्राई करते होते, देखते हैं.
करो, ट्राई करो यार, इसके अंदर प्रॉपर्टी थ्री और प्रॉपर्टी फोर यूज होगा. प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी थ्री का आइडेंटिफिकेशन ये है कि वहां पे एडिशन होता है, समेशन होता है, हेड सेम होते हैं एंड डिफरेंस इन टेल वन होता है. क्लियर? तो आप हेड वन से इंक्रीज करते हो और ग्रेटर टेल एज इट इज रहता है वहां पे. करो, लास्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा ये. करो, ट्राई करो एक बार से. अच्छा, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आज पॉसिबल है उन लोगों का फर्स्ट क्लास हो, तो यार देखो एक बार आप जो वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किए हैं वो देख लेना, और उसमें कोई डाउट है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो बेटर ये कि पहले आप वो देख लो. क्या बोल रहे हो? फर्स्ट लिंक वीडियो की यार, स्टार्टिंग का. हाँ, स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ. मैंने जो ऑल थ्री लेक्चर्स हुए एक्चुअली मैथमेटिक्स के अंदर, वो सारे टू लेक्चर्स के अंदर कमेंट कर दिए, वो शेयर किया था कल दोनों ग्रुप्स में. लिंक शेयर किए ना? हाँ, लिंक शेयर किए हुए हैं. ठीक है, ओके. बाइनोमियल करके, बाइनोमियल फैक्टोरियल कोफिशिएंट, एंड सेकंड वीडियो लेक्चर है एडिशन प्रॉपर्टी करके. हाँ, ओके. चलो. सर, तो 25 नहीं यार, 25 तो नहीं है इसका आंसर. थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझे लगता है. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आर इज इक्वल टू 0 to 49 तक मूव कर रहे हो आप. 49 cr upon 49 cr plus 49 cr plus 1. डिनोमिनेटर एक बार ऑब्जर्व करो अच्छे से. तो डिनोमिनेटर के अंदर दोनों हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल वन है. सो 49 विल बिकम 50 वन से इंक्रीज करते हो आप. एंड आर प्लस वन ग्रेटर है आर प्लस वन, तो आर प्लस वन आएगा, यानी कि 50 cr plus 1. ठीक है, अभी 50 cr plus 1 के अंदर आप यूज करो प्रॉपर्टी नंबर 4. 50 को न्यूमेटर में लेके आओ, डिनोमिनेटर के न्यूमेटर में बात कर रहा हूं मैं, आर प्लस वन को डिनोमिनेटर में. बताओ क्या आंसर है. चलो डिस्कस करते हैं इसको भी. सर, बी बी ऑप्शन. ठीक है, कौन बता रहा है? कार्तिक. ओके, कार्तिक करेक्ट है. तुम्हारे चैट बॉक्स में देख लिया था मैंने ना, कोई टेंशन. ठीक है, ओके. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. 29 cr क्लियर. 29 cr plus 29 cr plus 1. डिनोमिनेटर एक बार ऑब्जर्व करो आप. तो हेड्स आर सेम, विल बिकम 50 एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, सो आर प्लस 1. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखो यार, अभी प्रॉपर्टी 4 को यूज कर रहे हैं. प्रॉपर्टी 4 के अंदर एनसीआर इज इक्वल टू, एन को आप न्यूमेटर में लेके आते हो, आर डिनोमिनेटर में, रिमेनिंग है एन माइनस 1 सी आर माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक बार आप थोड़ा सा ट्राई करो. ठीक है, तो 50 cr plus 1
यू कैन राइट 50 अपॉन आर प्लस वन, ठीक है, 50 को न्यूमेटर में आगे लेके आया मैं, डिनोमिनेटर में आप लेके आओगे आर प्लस वन को, क्लियर, एंड 50 माइनस वन इज 49, सी आर प्लस वन माइनस वन इज आर, क्लियर। तो देखो सेम है, वही है, सेम एज इट इज 50 अपॉन आर प्लस वन, लेकिन ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में ही ऑपरेट होगा, 50 अपॉन आर प्लस वन, 50 माइनस वन इज 49 सी आर प्लस वन माइनस वन यानी आर। नाउ दिस 49 सी आर एंड दिस 49 सी आर कैंसिल आउट, क्लियर। अभी ये सबको पता होगा कि डिनोमिनेटर में a अपॉन b होता है, दैट विल बिकम v अपॉन a, सो दिस इज r प्लस वन अपॉन 50, क्लियर। अभी आप समेशन यूज करो, स्टार्ट करो, r इज इक्वल टू 0 टू 49, सबसे पहले आप r इज इक्वल टू पुट करोगे 0, सो दिस इज 1 अपॉन 50, देन r इज इक्वल टू 1, 2 अपॉन 50, देन r इज इक्वल टू 2, 3 अपॉन 50, देन r इज इक्वल टू 3, 4 अपॉन 50, एंड सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू 49, सो 49 प्लस 1 इज 50 अपॉन 50, क्लियर। और ये क्लियर है, यहाँ पे सारे टर्म्स का बेस सेम ही है, तो एलसीएम आ गया 50, रिमेनिंग इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50, क्लियर। एंड दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई थिंक ये सभी को पता होगा अरिथमेटिक का समेशन, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 50, तो टोटल 50 टर्म्स हैं, सो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 50 अपॉन 2, क्लियर। एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 50, सो 1 प्लस 50, क्लियर। यहाँ पे अभी 50 50 कैंसिल, 51 अपॉन 2, एंड 51 अपॉन 2 इज 22.5। यार यहाँ पे बिल्कुल समेशन कर दिया हम लोगों ने, जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज 51, डिनोमिनेटर में है 50, दिस 50 दिस 50 कैंसिल आउट, सो 51 अपॉन 2 एंड 51 अपॉन 2 इज 25.5, ये इसका फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसके अंदर देख लो अभी आप, 25.5 इज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, डिस्कस करते हैं। कोई और मेथड माइंड में आ रहा है तो भी डिस्कस करते हैं। अर्जुन एनी डाउट? सर ये स्टेप एक बार एक्सप्लेन कीजिए, 1 अपॉन 50 प्लस 4 अपॉन 50। यार तुम्हें बोलना चाहिए ना, देखो तुम बोलते ही नहीं हो, अभी मैं तुम्हें, मेरे को पूछना पड़ रहा है तुमसे, कोई भी डाउट है तो बताओ। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, देखो सुनो, ये एक्चुअली क्या सिग्मा है, सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट r इज इक्वल टू 0, ये लिमिट्स होते हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, r इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अपर लिमिट। तो पहले आप r इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 प्लस 1 यानी कि 1, सो 1 अपॉन 50, यस, देन r इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 50, देन r इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन 50, ये सिग्मा समेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा का जस्ट मतलब है समेशन। Okay. मतलब आप r के वैल्यूज पुट करो फ्रॉम स्टार्टिंग r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 49, तो r इज इक्वल टू 0 से 49 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इंटीजर्स, अब वो पुट करते हो वहां पे और सबको ऐड कर देते हो, यही मतलब होता है सिग्मा का। ओके हाँ, एंड सबसे लास्ट में आप r इज इक्वल टू पुट करने वाले हो 49, ठीक है। yes. तो 49 प्लस 1 50, तो 50 अपॉन 50, क्लियर। Yes, अभी 50 LCM आ गया, ये समझ में आता है आपको? हाँ सर, समझ। न्यूमरेटर इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50। अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 50, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस 1 होता है वहां पे। हाँ। या फिर हो सकता है काफी लोगों को ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो वो भी यूज कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप अरिथमेटिक का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो. हाँ, तो अरिथमेटिक का समेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. क्लियर? यस सर. तो नंबर ऑफ टर्म्स आर यहाँ पे कितने टर्म्स हैं टोटल? 50. हाँ, तो 50 अपॉन टू फर्स्ट टर्म कितना है बोलो? 1. लास्ट टर्म? 1 यस. नहीं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 50. 50 प्लस 1 51. क्लियर? 50 50 कैंसिल आउट. 51 अपॉन टू इज 25.5. सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. यस. चलो ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. अभी नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी लिखो, अभी आप लास्ट प्रॉपर्टी है ये एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन. ये सारे प्रॉपर्टीज एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यार इनका नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए. ठीक है, तो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा दोनों हेड सेम है, ये आइडेंटिफिकेशन है इस प्रॉपर्टी के. तो बोथ हेड्स आर सेम इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर एंड डिफरेंस इन टेल इज वन. इधर है r और यहाँ पे है r माइनस वन. क्लियर? वन मोर थिंग, जो लेसर टेल है ना वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए. अगेन बोथ हेड्स आर सेम n और n, डिफरेंस इन टेल इज वन, r एंड r माइनस वन वन डिफरेंस, एंड लेसर टेल शुड बी इन डिनोमिनेटर. तो r माइनस वन डिनोमिनेटर में है. क्लियर? फाइनल रिजल्ट क्या आता है इसका, ये आप इसको याद करके रखो, n माइनस r प्लस वन अपॉन r. तो हेड तो एज इट इज यूज हो गया n, एंड r ये आप यूज करते हो न्यूमरेटर वाला r, ये r, तो n माइनस r प्लस वन अपॉन r, n माइनस r प्लस वन अपॉन r. क्लियर? ncr अपॉन ncr माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस r प्लस वन अपॉन r. इसके ऊपर अभी हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं दो तीन, तो ये एक बार समझ लेते हैं. दोनों हेड सेम है, सेम होना चाहिए. हेड कैन बी कुछ भी हो सकता है, 2n प्लस 3 हो सकता है, एक्स स्क्वायर चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, एनीथिंग. बस दोनों सेम होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. क्लियर? एंड डिफरेंस इन टेल होना चाहिए वन. लाइक न्यूमरेटर में है 50 तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए 49. न्यूमरेटर में है सपोज करो 100 तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए 99. न्यूमरेटर में सपोज करो एन प्लस वन है टेल तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए एन प्लस वन माइनस वन यानी एन. क्लियर? इसका रिजल्ट क्या आता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. एन एज इट इज यूज होगा हेड एज अ हेड. ठीक है, और आर ये जो न्यूमिनेटर वाला आर है ना आप इसको यूज करोगे, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. क्लियर? इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है. एन सी आर हेड फैक्टोरियल टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल यानी एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर? डिनोमिनेटर चेक करते हैं अभी, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल एन आर माइनस वन फैक्टोरियल एंड हेड माइनस टेल फैक्टोरियल. क्लियर? सो हेड माइनस टेल इज एन माइनस आर माइनस वन, दैट विल बिकम एन माइनस आर प्लस वन. ये आता होगा सबको समझ में, एन माइनस आर माइनस वन. तो आप ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं लिखते हो, आप ब्रैकेट यूज करते हो, और ये बनेगा भी एन माइनस आर प्लस वन. क्लियर? तो ये हो गया है भी एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. नाउ दिस बी अपॉन या फिर ए अपॉन बी विल बिकम बी अपॉन ए. सो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ, ठीक है, ये सारे टर्म अभी न्यूमरेटर में चले गए, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में है एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल आर एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट. क्लियर? अगेन सेम ही कंसेप्ट है, आर और आर माइनस वन ग्रेटर है आर, तो आप आर फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे एंड यू कैन राइट आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल. लाइक 100 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 100 इंटू 99 फैक्टोरियल. सिमिलरली एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर इन दोनों में ग्रेटर है एन माइनस आर प्लस वन, क्योंकि वहां पे वन एड हो रहा है. तो अब इसे ही ब्रेक करो एंड दिस विल बिकम दिस एन माइनस आर प्लस वन. लाइक 100 फैक्टोरियल 100 फिर 99 फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज एन माइनस आर प्लस वन एंड देन एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्लियर? तो एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल इज ऑल्सो कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज माइनस प्लस वन. हेलो,
रिमेनिंग इज एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. ठीक है ओके. कोई डाउट है तो बताओ इसके अंदर, इसे नोट कर लो एक बार यार. क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर. बाकी इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. आप ये सेम हेड यूज करने वाले हो एंड न्यूमरेटर में आर यूज करने वाले हो. ये जो न्यूमरेटर वाला आर है, जो ग्रेटर आर है, वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. So finally answer is n minus r plus 1 upon r. तो जस्ट उसको ब्रेक किया है, सारे प्रॉपर्टीज ऐसे ही प्रूव होते हैं, बस आप ब्रेक करते हो चीजों को. लाइक आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज आर एंड देन आर माइनस वन, मतलब जस्ट माइनस वन करना होता है आपको. अब जैसे ये एग्जांपल है 2nCr plus 1 upon 2nCr. तो देखो वही ऑब्जर्वेशन है, सिंपल हेड एंड हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, आर प्लस 1 है, यहाँ पे है आर, तो 1 डिफरेंस है. क्लियर? और मैंने आपको बोला था ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर. क्लियर? तो यहाँ पे ग्रेटर टेल न्यूमरेटर में ही है. फाइनल एक्सप्रेशन विल बी एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. ऐसे आप लर्न करके चलो. एन इज टू एन हेड और आर यूज होगा यहाँ पे आर प्लस वन, क्योंकि न्यूमरेटर वाला आर यूज होता है. सो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन सेम आर यानी आर प्लस वन. ठीक है, तो ये हो गया अभी 2n माइनस आर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल. सो फाइनल 2n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन. ये एक्सप्रेशन, ये पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का रेशियो बोल सकते हो आप इसको, रेशियो प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है 2n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन. जैसे ये एग्जांपल है एन सी आर प्लस टू अपॉन एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस टू अपॉन एन सी आर प्लस वन. अगेन दोनों हेड सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज वन, आर प्लस टू और आर प्लस वन में डिफरेंस होता है वन. क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अभी, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. एन इज एक्चुअली एन क्योंकि हेड एन ही है और आर इज एक्चुअली आर प्लस टू, न्यूमरेटर में आर होता है ना वो यूज होता है. सो एन माइनस आर आर प्लस टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे, दिस विल बिकम एन माइनस आर माइनस टू प्लस वन. सो एन माइनस आर माइनस वन अपॉन आर प्लस टू. क्लियर? नोट करो इसे, कोई डाउट है तो बताओ. विमुदा एनी डाउट? ठीक है, नोट करो इसे, कोई डाउट है तो बता सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर.
यार अपना माइंड ऑन रखना पड़ेगा आपको, आप सारी चीजें मेरे ऊपर नहीं छोड़ सकते है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे माइंड में एज इट इज फिट कर दूँ सब कुछ, तो मैं थोड़ा अपना माइंड यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, सो n माइनस आर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन अपॉन आर प्लस टू। ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज वन, ये आइडेंटिफिकेशन है। ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में ही है ये, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा अभी एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, एन इज टू एन सो टू एन माइनस आर, आप न्यूमरेटर वाला आर यूज करोगे तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन सेम आर यानी आर प्लस वन। क्लियर, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी। लाइक एनसीआर रेशियो एनसीआर प्लस टू रेशियो एनसीआर प्लस, सॉरी एनसीआर रेशियो एनसीआर प्लस वन रेशियो एनसीआर प्लस टू इज गिवन इज फाइव रेशियो फोर रेशियो टू। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। स्टार्ट करते हैं, एनसीआर इज इक्वल टू फाइव के, एनसीआर प्लस वन इज इक्वल टू फोर के, एनसीआर प्लस टू इज इक्वल टू टू के। ये समझ में आ गया होगा स्टेप मुझे लगता है सभी को। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे के कहां से आ गया है, तो देखो के ऐसा आता है एक्चुअली, सपोज करो ए रेशियो बी है लेट से फाइव रेशियो फोर, तो आप ए इज इक्वल टू फाइव नहीं बोल सकते एंड बी इज इक्वल टू फोर नहीं होता है। अगेन ये रेशियोज है, तो रेशियो में आप डायरेक्ट इक्वल नहीं करते हो, लाइक ए अपॉन बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर, देन आई कैन नॉट से ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू फोर, ए कैन बी हंड्रेड एंड बी कैन बी 18, तो भी रेशियो 5 रेशियो 4 ही आएगा, 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ए कैन बी 25, बी कैन बी 20, तो भी रेशियो 5 अपॉन 4 ही आने वाला है। तो रेशियोज के अंदर वैल्यू डायरेक्ट इक्वल नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना, हमेशा मल्टीपल में आता है। सो एनसीआर विल बी 5k, एनसीआर प्लस 1 विल बी 4k एंड एनसीआर प्लस 2 विल बी 2k। क्लियर। अच्छा अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे मेरे को k एलिमिनेट करना है, क्योंकि k का वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इन इक्वेशंस को यूज करोगे सच दैट k का वैल्यू एलिमिनेट हो जाए हर बार। ठीक है, तो मैं डिवीजन करने वाला हूँ। अच्छा इक्वेशंस इक्वल मतलब कुछ इक्वेशंस गिवन है आपको 1 2 3 लाइक, तो आप उनको एड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलता है। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवाइड इस ऑर्डर में कर रहा हूँ, लाइक 2 अपॉन 1। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को दोनों हेड सेम चाहिए, वो ऑलरेडी है। ठीक है, डिफरेंस इन टेल इज 1, तो आप 1 और 2 पेयर यूज करो, 2 और 3 पेयर यूज करो, आप 1 और 2 पेयर यूज करो एंड 2 और 3 पेयर यूज करो, क्योंकि 1 और 2 के अंदर डिफरेंस इन टेल है 1। सिमिलरली 2 सेकेंड इक्वेशन और 3rd इक्वेशन के अंदर भी डिफरेंस इन टेल है 1, तो डिफरेंस इन टेल 1, ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी होता है। आप 1 और 3 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 3 के अंदर डिफरेंस इन टेल है 2। अच्छा एक मेरे को डाउट पूछ रहे हैं कि केवल के ही यूज करना होता है क्या, बाकी वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, 5x लिख सकते हो, 4x लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5t 4t 2t कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा कोई फेवरेट लेटर है तुम वो रख सकते हो, चलता है, वैसे भी वो एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, और वैसे भी मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो कंसीडर कुछ भी कर सकते हो, के ही कंपलसरी नहीं होता। ओके अच्छा, तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज करोगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन टेल है 1, आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यूज करोगे क्योंकि डिफरेंस इन टेल है 1। देखो यार एक चीज और समझो, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स हैं एन एंड आर, तो मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 वेरिएबल के लिए आपको 2 ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं, 1 इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं आती। क्लियर, ठीक है, तो आप पेयर 1 और 2 यूज करोगे, पेयर 2 और 3 यूज करोगे, तो अभी हम लोग कर रहे हैं पेयर इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। क्लियर, एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल है 1, और ग्रेटर टेल न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। क्लियर, तो ये हो गया 4k अपॉन 5k यानी 4 अपॉन 5।
नेक्स्ट, अब इसको आप ओपन कर दो तो हेड सेम यानी n माइनस r प्लस वन अपॉन r, तो r यूज करोगे r प्लस वन, जो न्यूमरेटर में r होता है ना वो यूज करते हैं हम लोग, सो n माइनस r प्लस वन अपॉन r प्लस वन इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4. इस स्टेप में कोई डाउट? तो नेक्स्ट अभी ये हो गया 5n इज इक्वल टू माइनस 5r को यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द राइट साइड, सो 5r प्लस 4r 9r प्लस 4, सो 5n इज इक्वल टू 9r प्लस 4. क्लियर? तो एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गया, इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, हालांकि 1 2 3 पहले बोला हुआ है, कोई मैटर नहीं करता वो, आप फिर से इक्वेशन 1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे. ठीक है, अभी हम लोग पेयर यूज कर रहे हैं यहाँ पे 3 and 2. क्लियर? तो 3 upon 2, 2 upon 3 नहीं यार, 3 upon 2, क्योंकि दोनों में हेड है सेम, 2 और 3 के अंदर डिफरेंस इन टेल भी 1 है, तो ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर, तो एनसीआर प्लस 2 upon NCR plus 1, और ये हो जाएगा आपका 3 upon 2 कर रहे हैं हम लोग, तो 2 के upon 4 के, 2k upon 4 case 2 upon 4 यानी 1 upon 2. क्लियर? अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, r यूज होने वाला है यहाँ पे न्यूमरेटर वाला यानी r प्लस 2, सो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो अभी जस्ट, तो ये है n माइनस r, माइनस 2 आएगा यहाँ पर, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, सो n माइनस r माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 इक्वल्स टू 1 upon 2. क्लियर? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये हो गया 2n माइनस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस 2 इनटू 1 यानी r प्लस 2, एंड नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन 2n इज इक्वल टू माइनस 2r टेक ऑन द राइट साइड, 2r प्लस r 3r, माइनस 2 राइट साइड में है प्लस 2, तो माइनस 2 को जब राइट में लेके आओगे तो ये बनेगा प्लस 2, सो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, सो 2n इज इक्वल टू 3r प्लस 4. क्लियर? अभी आपको क्लियरली 2 इक्वेशंस मिल गए हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, यहां से आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं एन और आर के, ये अभी वही बन गया है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना वो कर सकते हैं हम लोग, बाकी कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करोगे तो वो भी चलता है, अभी मैं यहाँ पे एन एलिमिनेट कर रहा हूँ, सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एन इज इक्वल टू 9r plus 4 upon 5, ये सबको आ रहा होगा समझ में, एंड यूजिंग सेकेंड इक्वेशन n इज इक्वल टू 3r plus 4 upon 2, और इन दोनों को आप इक्वल कर दो, तो 9r plus 4 upon 5 इज इक्वल टू 3r plus 4 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 18r plus 8 इज इक्वल टू 15r plus 20, सो 3r इज इक्वल टू 20 minus 8 यानी कि 12, r इज इक्वल टू 4, तो r is equal to 4 वापस से कोई भी इक्वेशन के अंदर यूज कर लो, सपोज करो मैं इस इक्वेशन में r is equal to 4 पुट कर रहा हूं, तो 4 into 9 36 plus 4 40 upon 5 यानी 8, आप इसके अंदर पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, r is equal to 4 4 into 3 12 plus 4 16 upon 2 8, सेम आंसर है, सो फाइनली n is equal to 8 एंड r is equal to 4, ये इसका आंसर है. ठीक है, सॉल्यूशन को नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. सर वो 5n माइनस 5r प्लस इज इक्वल टू 4r प्लस 4 वो कैसे आया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये देखो ना इधर, ये वो सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट थोड़ी किया है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? n माइनस r और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये समझ में आया? ये प्रॉपर्टी है, r प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. Yes. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना इसको, 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4. ये नहीं समझ आ रहा है क्या? सर वो n माइनस r कैसे रहा? भाई ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 1 आएगा ना वो. यस यस सर, साइंस चेंज हो गई. हाँ डेफिनेटली, और क्या? यस yes. देखो इधर देखो, n माइनस r प्लस 1 और प्लस 1, so n minus r minus 1 plus 1, 1 1 cancel, n minus r. Thank you sir. हाँ बस ये है. और बताओ, और कोई doubt है किसी को? तो
ठीक है, ऐसे नोट कर लो फिर, कोई डाउट नहीं है। तनिषा, एनी डाउट? नो सर। सत्यजीत पाटिल, एनी डाउट? सर चलो ऐसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ऐसे पेयर यूज करना जिनमें टेल में डिफरेंस है, ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, यदि नोट नहीं किया है तो मेरे को बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीआर माइनस वन रेशियो एनसीआर रेशियो एनसीआर प्लस वन इज गिवन एज 6:14:21, देन फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। करो स्टार्ट करो, आंसर बताओ क्या करने वाला है। ठीक है, आंसर चैट बॉक्स में बताना। तो सिरे तेरे को यार अच्छी तेरे का ही दिक्कत है। हम बोलो तो बोला, मैं तो समझ गया, तो बोलो तो सेक्टर में है क्या, क्या कर रहा है ये?
बस यार काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है तुम लोग और क्या चाहिए। अखिलेश करेक्ट है आपका आंसर, पूर्वा करेक्ट आंसर है, नील करेक्ट है तुम्हारा आंसर भी, ध्रुव करेक्ट है, विश्वराज डन, आर्यन करेक्ट आंसर है, अखिलेश का आंसर भी करेक्ट है बिल्कुल, तनिषा करेक्ट आंसर है, विजय एक बार ट्राई करो फिर से, प्राजिन बेटा आर सिक्स अपॉन फाइव कैसे आ सकता है प्रणव, आर सिक्स अपॉन फाइव तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि सिक्स अपॉन फाइव पे डिफाइन ही नहीं होगा वो। राजन करेक्ट आंसर है तुम्हारे भी, समरजीत नहीं यार थोड़ा प्रॉब्लम है आंसर में, ठीक करो, आदित्य आर की वैल्यू में प्रॉब्लम है मुझे लगता है यहाँ पे, आर चेंज करो थोड़ा, आर को ठीक करो, कार्तिक करेक्ट है, भार्गव डन करेक्ट, राज सागर नहीं यार गलत आंसर है ये तो, रोहन करेक्ट आंसर है, राज आर इज इक्वल टू 2/5 डिफाइन ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, चलो के डिस्कस करते हैं इसको, पूर्वा एक्सप्लेन करोगे आप? यस सर। ओके स्टार्ट करो देखते हैं। NCR minus 1 is equal to CK first equation। Done। NCR is equal to 14K is equal to second equation। Done। NCR plus 1 is equal to 21K is third equation। Okay, my first doubt यहाँ पे मैं K क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? Sir, we are considering it because there is a ratio। Done। तो फिर दिस विल नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू, नो सर इट्स जस्ट अ कंसीडरेशन, हाँ मतलब ये मल्टीपल में ही आता है एक्चुअली वैल्यू जो इसका होता है, हाँ सर राइट, ठीक है नेक्स्ट आगे बताओ, फिर इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 दैट गिव्स अस एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 6 करेक्ट, तो फिर 14 अपॉन 6 इज नथिंग बट 7 अपॉन 3 देन फिर न्यूमरेटर में का आर लेना है, सो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 7/3 करेक्ट है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3n इज इक्वल टू 10r माइनस 3 करेक्ट। देखो मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, तुम लोग फॉर्मुलो को एज इट इज n और r के फॉर्म में हम लोगों को लर्न नहीं करने हैं फॉर्मुले मैथ्स के अंदर, आप वर्ड्स में याद रखोगे कि n सेम होता है वो यूज करते हैं, न्यूमरेटर वाला r यूज करते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा एन और आर के फॉर्म में लर्न करोगे फॉर्म में, तो क्योंकि एन और आर के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, लाइक सेकंड के अंदर आर के प्लेस पे आर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, साइन थीटा कॉस थीटा भी आना स्टार्ट होंगे अभी यहाँ पे। ओके नेक्स्ट आगे बताओ पूर्वा, सर देन इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2 दैट गिव्स अस एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर इज इक्वल टू 21 अपॉन 14 देन और फिर 21 अपॉन 14 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ओके फिर न्यूमरेटर में का आर लेना है, सो एन माइनस ब्रैकेट आर प्लस वन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/2 करेक्ट है, फिर एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, सो एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/2 करेक्ट, देन 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस r बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है, सो वी गेट 2n इज इक्वल टू 5r प्लस 3 ओके then sir I have multiplied the equation by 2 okay so we get it's also correct koi problem so for n is equal to 10r plus 6 10r minus 6 yes sir okay ha 10r plus 6 okay you are using equation 2 actually okay. yes sir and okay. then after taking the first equation I'll get n is equal to 9 by elimination method I have cancelled both of them okay correct so finally n is equal to 9 and r is equal to 6 r yes, is equal sir. to 3 ha 3 बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का और कोई मेथड नहीं है, बस यही एक मेथड पॉसिबल है इस क्वेश्चन का।
नहीं, तुम लोग अभी बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग होता नहीं, ये क्वेश्चन आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, वहां पे ये थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं एक्सपेंशन में। तो वहां पे क्वेश्चन होता है इफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इन द रेशियो 6:14:21 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। तो फिर ये स्टेप आता है जो स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये नोट करो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टीज और हैं हालांकि, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज होना स्टार्ट होता है, तो वो हम लोग जब कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो इसके अंदर भी, बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, हेडिंग नोट कर लो एक बार, बाइनोमियल एक्सपेंशन। स्टार्टिंग में हम लोग बाइनोमियल के बेसिक्स पढ़ रहे थे, फर्स्ट फैक्टोरियल देन बाइनोमियल कोफिशिएंट, अभी है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छे समझना, काफी लोगों को ये ऑलरेडी कुछ पता होगा, यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल, पास्कल पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी आप लोगों को। जैसे x प्लस वाई होल पावर वन, दिस इज क्लियरली x प्लस वाई, देन x प्लस वाई होल स्क्वायर, अगेन दिस इज क्लियरली x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये सभी को पता होता है। x प्लस वाई होल क्यूब, ये भी ऑलमोस्ट सभी को पता है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। इस चैप्टर को पढ़ने का मेन पर्पस है हमारा x प्लस वाई होल पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 100 तक कैलकुलेट करना विद इन सेकेंड्स। तो देखो, आप एक ऑब्जर्वेशन फील करो यहाँ पे, सपोज करो ये x प्लस वाई है ना, तो इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट नंबर और इसको मैं बोल रहा हूँ अभी सेकेंड नंबर, क्लियर। तो तुम्हें इस एक्सप्रेशन के अंदर ऑब्जर्व करो, पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर पहले टोटल इंडेक्स है 2 और सेकेंड नंबर के ऊपर इंडेक्स है 0, y टू द पावर 0 1 होता है। देन सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये टर्म्स है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ये नंबर है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में कंप्लीट पावर फर्स्ट नंबर को मिल रहा है एक्स स्क्वायर एंड वाई के ऊपर पावर है 0, देन एक्स के ऊपर पावर है 1 और वाई के ऊपर पावर भी आ गया 1, एंड सबसे लास्ट टर्म में वाई स्क्वायर के ऊपर एक्स के ऊपर पावर है 0 और वाई के ऊपर पावर है 2। सिमिलरली एक्स प्लस वाई होल क्यूब, पहले सारा पावर जितना भी इंडेक्स है ना वो एक्स को मिला है यहाँ पे, एंड वाई टू द पावर 0। Then in next term, x के index continuous decrease हो रहे हैं, like x cube, then x square, then x to the power 1, and सबसे last में x to the power 0. और y के index continuously increase हो रहे हैं, starting में y 0, y 1, y 2, y 3. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, suppose करो 3 toys हैं, और 2 brothers हैं यहाँ पे, x and y, ठीक है, x suppose करो elder brother है, और y younger brother है, तो सारे, सबसे पहले सारे toys elder brother को मिल गए, x to the power 3, younger brother को 0. फिर यंगर ब्रदर को आपने 1 टॉय दिया तो इसके पास में टॉय अभी 2 रह गए, ठीक है, और यंगर ब्रदर को अगर 1 टॉय दे दो फिर उसका उसको सारे टॉयज देने पड़ते हैं आपको, है ना। तो x का जो टॉय है ना वो और कम हो गया 1 और y के टॉय और इंक्रीज हो गए 2 और सबसे लास्ट में x के पास इंडेक्स है 0 और y के ऊपर इंडेक्स हो गया है 3। सिमिलरली सपोज करो मेरे को x plus y होल पावर 4 का एक्सपेंशन लिखना है, तो स्टार्टिंग में यू विल गेट x टू द पावर 4, सारा इंडेक्स फर्स्ट नंबर को मिलने वाला है, एल्डर को मिलने वाला है, और y टू द पावर 0। देन अभी कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट x के इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज करो और साइमल्टेनियसली y के इंडेक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में x टू द पावर है 4, y टू द पावर 0, देन x क्यूब y, x डिक्रीज y इंक्रीज, देन x डिक्रीज x स्क्वायर y इंक्रीज y स्क्वायर, देन x डिक्रीज x y इंक्रीज y क्यूब, देन x डिक्रीज x टू द पावर 0 व्हिच इज 1 एंड y इंक्रीज y टू द पावर 4। तो ये जो एक्सपेंशन होता है ना ये एक्चुअली पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा होता है, वो ऑर्डर यही है, फर्स्ट नंबर इज कंसीडर्ड एज एल्डर ब्रदर, सेकंड इज यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर की पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, यंगर ब्रदर की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज। लाइक सपोज करो मेरे को लिखना है यहाँ पे x प्लस वाई होल पावर 5, तो फर्स्ट यू विल राइट x टू द पावर 5, y टू द पावर 0, अच्छा y टू द पावर 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 1 होता है और 100 इंटू 1 100 ही होता है, मतलब तो वहां पे सेपरेटली इंटू 1 लिखना कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का,
तो स्टार्टिंग में x टू द पावर 5, देन x4y, क्लियर, देन x3y स्क्वायर, x डिक्रीज y इंक्रीज, फर्स्ट नंबर डिक्रीज सेकंड नंबर इंक्रीज, देन x स्क्वायर y क्यूब, x और कम हो गया, 3 से 2 पे आ गया है, y 3 हो गया है, देन x कम एंड y इंक्रीज, x y 4, देन सबसे लास्ट में y 5, क्लियर। फिर से एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, x प्लस y होल पावर 5, स्टार्टिंग में है x 5, देन x 4, देन x क्यूब, देन x स्क्वायर, देन x टू द पावर 1 और सबसे लास्ट में x टू द पावर 0। स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म में y टू द पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो फर्स्ट नंबर के पावर कंटिन्यूअसली होते हैं डिक्रीज और सेकंड नंबर के पावर कंटिन्यूअसली होते हैं इंक्रीज, ठीक है। ये हम लोग वापस से नोट करेंगे बाद में भी, अभी जस्ट समझ लो आप, लाइक x प्लस y होल पावर 6, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स सिक्स, देन एक्स फाइव वाई, एक्स डिक्रीज वाई इंक्रीज, एक्स फोर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, एक्स वाई 5 और वाई टू द पावर 6 सबसे लास्ट में, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ पावर्स का अरेंजमेंट। अभी एक पॉइंट और है यहाँ पे, दैट इज कोफिशियंट, लाइक जैसे एक्स प्लस वाई होल पावर 1, ये भी देख सकते हो आप, तो स्टार्टिंग में सारा पावर मिल गया है एक्स को, देन वाई को, एक्स प्लस वाई, क्लियर। देखो ये जो आता है ना, इसको कोफिशियंट बोलते हैं, लाइक ये 3 कोफिशियंट है, ये कोफिशियंट है, यहाँ पे कोफिशियंट है, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 1 कोफिशियंट, 3 कोफिशियंट, 3 कोफिशियंट, 1 कोफिशियंट, यहाँ पे कोफिशियंट है 1, 2, 1, यहाँ पे कोफिशियंट है 1 एंड 1, क्लियर। तो देखो एक्सपेंशन के अंदर हम लोग दो चीजें सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले आप पावर्स को अरेंज करते हो, तो मुझे लगता है पावर्स को अरेंज करना सभी लोग सीख गए अभी। फर्स्ट नंबर के पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर के पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज, और फिर एक आता है यहाँ पे कोफिशियंट। तो ये जो मैंने अभी स्पेस यहाँ पे है ना, तो ये कोफिशियंट्स के लिए है बेसिकली, यहाँ पे कुछ नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, इन प्लेसेस पे, दिस प्लेस पे नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं, और उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट्स। जैसे यहाँ पे भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं, क्लियर। तो इन कोफिशियंट्स को आप कैसे फाइंड करते हो, उसके लिए स्टार्टिंग में मेथड आया था पास्कल्स पिरामिड। तो पास्कल्स पिरामिड क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम लोग, बहुत इजी है, ऐसा कुछ स्पेशलिटी मतलब ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है वो। लाइक सबसे पहले आपको लिखना होता है 1, क्लियर, मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ इस तरीके से 1, फिर 1 से फिर ब्रांच आएगा 1 1, फिर यहाँ पे आएगा 1, ये इधर हो गया 1 और ये 1 1 हो गया 2, क्लियर। ये 1, 1 प्लस 2 3, अगेन 2 प्लस 1 3 और ये हो गया है 1, अगेन यहाँ पे आपको लिखना है 1, ये हो गया 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 हो गया है 6, 3 प्लस 1 हो गया है 4 और ये हो गया है 1, तो देखो वही लिखा हुआ है 1, 1 से फिर 2 ब्रांचेस 1 1, इधर लेफ्ट में 1, राइट में 1, 1 प्लस 1 2, देन इधर 1, ये हो गया 2 प्लस 1 3, अगेन 2 प्लस 1 3 एंड 1, क्लियर। ये 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 एंड ये 1, क्लियर। 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 1 5 और फिर यहाँ पे 1, क्लियर। ये 1, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 एंड 1, क्लियर। अब ये है क्या, वो समझने का ट्राई करो कि पिरामिड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये केवल 1 टर्म है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली x प्लस y होल पावर 0 के कोफिशिएंट्स हैं, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करना सभी। x प्लस वाई होल पावर 0, तो x प्लस वाई होल पावर 0 तो ऑब्वियस ये बात है 1 ही आएगा, देन यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये x प्लस वाई होल पावर 1 के कोफिशिएंट्स को शो कर रहा है, लाइक 1 1, देखो यहाँ पे भी 1 1 ही है, ठीक है। पास्कल पिरामिड और ये एक्सपेंशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई होल पावर 1 कोफिशिएंट्स 1 1, अगेन यहाँ पे 1 1, x प्लस वाई होल स्क्वायर कोफिशिएंट्स है 1 2 1, तो देखो 1 2 1 ही लिखा हुआ है, 1 2 1, x प्लस वाई होल क्यूब नंबर्स आपको देख रहे होंगे 1 3 3 1, अगेन कोफिशिएंट्स भी सेम ही है 1 3 3 1। अभी सपोज करो मेरे को राइट डाउन करना है यहाँ पे x प्लस वाई होल पावर 4, तो सबसे पहले पावर्स अरेंज करो, फर्स्ट नंबर के पावर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर के पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज और फिर आता है कोफिशिएंट्स। यहाँ पे एग्जैक्टली 5 कोफिशिएंट्स आने वाले हैं, 1 2 3 4 5, ये कर्सर जहां पे ना वहां देखो 1 2 3 4 and 5, तो exactly 5 numbers ही यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 and 5, तो इसका मतलब ये है कि ये जो free space है
वैकेट स्पेस जो है यहाँ पे आने वाला है 14641, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, 4, 6, 4 और 1, तो कंप्लीट एक्सपेंशन बन गया इसका भी 1x4 विच इज x4 प्लस 4x3y प्लस 6x2y2 प्लस 4x3y प्लस y टू द पावर 4. सपोज मेरे को लिखना है यहाँ पे x प्लस y होल पावर 5, सबसे पहले आप पावर्स को अरेंज करोगे x5 x4y x3y2, इस तरीके से फर्स्ट नंबर की पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज. तो अभी यहाँ पे देखो एक्जैक्टली 6 प्लेसेस होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अभी इसमें देखो आप यहाँ पे x प्लस वाई होल पावर 5, क्लियर, कितने कोफिशियंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर. इसका मतलब यहाँ पे इस फ्री स्पेस में आने वाला है 1, 5, 10, दिस ऑल्सो 10, एंड देन 5 एंड देन 1. सिमिलरली x प्लस वाई होल पावर 6, तो सबसे पहले पावर्स अरेंज कर दो, x6 x5y x4y square x3 y3, फर्स्ट नंबर के पावर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर के पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज. फिर आते हैं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स हमें यहां से अरेंज करने होते हैं, तो कोफिशिएंट्स है यहां पे 1, 6, 15, एग्जैक्टली 7 नंबर्स होंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वही 7 नंबर्स आप यहां पे अरेंज करोगे अभी लाइक 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1. क्लियर. तो पास्कल पिरामिड की हेल्प से आप कोई भी एक्सपेंशन लिख सकते हो. अभी पास्कल पिरामिड का ड्रॉबैक क्या है, सपोज करो मेरे को x प्लस वाई होल पावर 8 लिखना है, तो आपको यहाँ पे 8 ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे. x प्लस वाई होल पावर 10 लिखना है तो 10 ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है. तो ये मेथड क्या है, काफी लेंथी हो जाता है. फिर पास्कल के बाद में आए थे बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मतलब मेरे को नाम नहीं पता क्या नाम था उनका, पास्कल के बाद में आता है बाइनोमियल मेथड. तो बाइनोमियल मेथड क्या, किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं यहाँ पे इसी पिरामिड के अंदर बताऊंगा, तब तक आप एक काम करो इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, 2 मिनट्स में नोट करो इसे, फिर आगे बताते हैं. इसे नोट करो और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट है यार पूछो. सुयश पूछ रहे हैं, सर पास्कल पिरामिड का कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो यार बिल्कुल डेफिनेटली है, ऑब्वियसली बात है, होना ही पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक को, क्योंकि इतना हम लोग नहीं कर रहे ना, इतना हम लोग थोड़ी पिरामिड बनाने वाले हैं. मैंने भी लास्ट स्टेटमेंट वही बोला था कि पास्कल पिरामिड का ड्रॉबैक ये है कि आप x प्लस वाई होल पावर 8, पावर 10, पावर 12, 13, 14 के लिए यूज नहीं कर पाओगे. तो पास्कल पिरामिड के प्लेस पे ही हम लोग बाइनोमियल यूज करने वाले हैं, पास्कल बाइनोमियल का पार्ट है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है. फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक जेई, बेटा जेई की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं हम लोग, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, तो सीखेंगे अभी, तुम टेंशन मत लो, अभी कुछ अच्छा सीखने वाले हैं यहाँ पे.
सर प्लीज एक्सप्लेन पास्कल पिरामिड वन मोर टाइम. क्या डाउट है बताओ साईराज. साईराज क्या डाउट है इस पिरामिड के अंदर बताओ. सर समझ में नहीं आया. मतलब क्या समझ में नहीं आया वो बताओ. थोड़ा डाउट स्पेसिफाई करो बताओ क्या डाउट है. सर पूरा कुछ भी नहीं समझ में आया. ये वन वन कुछ समझ में नहीं आया. ये ऐसे लिखना होता है आपको वन फिर यहाँ पे ऐसे ब्रांचेज आती हैं वन वन. ये हो गया वन. वन प्लस वन कितना होता है साईराज. टू. बस ये इधर वन आ गया. ये इधर वन. वन प्लस टू. थ्री. टू प्लस वन. थ्री. बस वन इधर लिखा. वन. वन प्लस थ्री. फोर. थ्री प्लस थ्री. सिक्स. थ्री प्लस वन. फोर. बस और वन साइड में लिख दिया अभी. आया समझ में. हाँ अभी ये हो गया वन. ये हो गया फाइव. ये हो गया टेन. टेन और फाइव वन. हाँ अभी डाउट ये हो सकता है तुम्हारा कि इसको आप ये एक्सपेंशन से कैसे रिलेट कर रहे हो. वो एक अच्छा डाउट है. तो देखो यार ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि पावर्स पहले हम लोगों ने अपने माइंड से अरेंज किए. माइंड का मतलब फर्स्ट नंबर का पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, सेकंड नंबर का पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है कोफिशियंट्स. ये जो नंबर्स होते हैं ना यहाँ पे कोफिशियंट्स होते हैं. तो एक्स प्लस वाई होल पावर वन के अंदर नंबर है वन वन. तो देखो वन वन लिखा हुआ है. वन वन. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के अंदर नंबर है वन टू वन. तो वन टू वन ही लिखा हुआ है. वन टू वन. एक्स प्लस वाई होल क्यूब के अंदर नंबर है वन थ्री थ्री वन. तो तुम यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल क्यूब देखो. इधर भी नंबर है वन थ्री थ्री वन. एक्स प्लस वाई होल पावर फोर के अंदर नंबर आ रहे हैं यहाँ पर वन फोर सिक्स फोर वन. तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे वन फोर सिक्स फोर वन ही लिखना है. ऐसे सपोज करो एक्स प्लस वाई होल पावर सिक्स. तो सबसे पहले मैंने पिरामिड बनाया. यहाँ तक आ गए हम लोग वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन. तो आप यहाँ पे भी वही लिखोगे. वन इधर आप लिखोगे सिक्स. यहाँ पे लिखना होता है फिफ्टीन वन फाइव. यहाँ पे लिखना होता है ट्वेंटी. यहाँ पे लिखना होता है वन फाइव. यहाँ पे लिखना होता है सिक्स और यहाँ पे लिखना होता है वन. क्लियर. अब एक चीज समझो ध्यान से यार है ना जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ. Okay, now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको देखो आप binomial से कैसे relate करते हो वो समझने का try करते हैं. अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनना अभी. Like this, this term. One. तो दिस वन कैन बी रिटन एज वन सी जीरो. टेल जीरो आंसर वन. दिस वन कैन बी रिटन एज वन सी वन. हेड और टेल सेम आंसर वन. दिस वन कैन बी रिटन एज टू सी जीरो. क्लियर. टेल जीरो आंसर वन. दिस टू कैन बी रिटन एज टू सी वन. दिस वन कैन बी रिटन एज टू सी टू. This can be written as 3C0. इसको आप लिख सकते हो 3C1. यहाँ पे आप लिख सकते हो 3C2. ये आप लिख सकते हो 3C3.
3C1 अगेन 3 आएगा, टेल 1 आंसर हेड. क्लियर, ये है 3C2, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, देन आल्सो आंसर हेड. क्लियर, दिस x प्लस y होल पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज 4C0, दिस कैन बी रिटन एज 4C1, 4C1 आंसर आने वाला है हेड यानी कि 4, दिस 6 4C2, दिस इज 4C3 एंड दिस 4C4. तो ये ऑब्जर्वेशन YouTube पे तुम लोग इसका हिस्ट्री देख लेना, पास्कल पिरामिड आने में और बाइनोमियल थ्योरम को आने में, यही बाइनोमियल थ्योरम है एक्चुअली, अभी हम लोग इसी को थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स टाइम लगा था. ये सारे नंबर्स को आप रिलेट कर रहे हो बाइनोमियल कोफिशियंट से, लाइक एक्स प्लस वाई होल पावर 5, तो अभी आपको 1, 5, 10, 10, 5 और 1 लिखने के लिए पास्कल पिरामिड का रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे 5C0, 5C1, 5C2, ये है 5C3, ये है 5C4 और ये है 5C5. 5C5 हेड और टेल सेम, आंसर 1. 5C0 टेल 0, आंसर 1. 5C1 टेल 1, तो आंसर आता है हेड यानी कि 5. क्लियर, 5C2 टेल 2, तो आंसर आता है हेड इनटू हेड माइनस 1/2 यानी कि 5 × 4/2. 5 × 4 = 20, 20/2 = 10. 5C3 and 5C2 will be same because NCR is equal to NCN minus R. 5C4 again tail is equal to head minus 1, तो आंसर आता है head. और सबसे लास्ट में 5C5 यानी आंसर आएगा 1. Similarly suppose x plus y whole power 6 लिखना है, तो अभी उसके अंदर पास्कल पिरामिड नहीं देखना हम लोगों को, क्योंकि यहां से क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि x plus y whole power 4, तो इसके अंदर जो coefficients हैं वो स्टार्टिंग हो रहे हैं आपके 4C0 से, 4C0, फिर 4C1, फिर 4C2, फिर 4C3, फिर 4C4. 4C5 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता क्योंकि हेड कम नहीं हो सकता टेल से. x plus y whole power 5, तो यहाँ पे कोफिशियंट्स हैं 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5. सिमिलरली x plus y whole power 6, तो वहां पे कोफिशियंट्स स्टार्टिंग होने वाले हैं 6C0 से, then C1, then C2, then C3, then C4, then C5 and then C6. क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. हाँ, इस तरीके से आप बाइनोमियल इस पास्कल पिरामिड को रिलेट करते हो बाइनोमियल से. अभी हम सपोज करो मेरे को x प्लस वाई होल पावर 10 लिखना है. अगेन देखो दो चीजें हैं उसके अंदर, फर्स्ट पावर्स अरेंजमेंट. तो x प्लस वाई होल पावर 10 के अंदर पावर स्टार्ट होंगे x टू द पावर 10, y 0, फिर x के पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, y के पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज, फिर आता है कोफिशियंट्स. तो पहले मेरे को पास्कल पे डिपेंड होना पड़ रहा था, वहां पे मेरे को 10 ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं, लेकिन अभी कोफिशियंट्स का ऑर्डर समझ में आ गया है. x plus y whole power 10 के अंदर जो coefficients आने वाले हैं, they are 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, up to 10C10. क्लियर, तो यार ये नोट करो आप इसे, और अभी हम लोग फिर इसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं, एक बार इसे नोट कर लो.
तो ये जो कोफिशियंट्स है सारे, ये नंबर्स हैं, ये सारे बाइनोमियल कोफिशियंट्स ही हैं। तो इस वन को आप लिख सकते हो वन सी जीरो, दिस इज वन सी वन, सॉरी इसे आप लिखोगे जीरो सी जीरो, क्योंकि पावर जीरो है तो जीरो सी जीरो, हेड और टेल सेम, आंसर वन, जीरो सी जीरो डिफाइंड है, ध्यान रखना प्रॉपर डिफाइंड है, क्लियर। तो दिस इज जीरो सी जीरो, दिस इज वन सी जीरो, दिस इज वन सी वन, बेसिकली जो पावर होता है ना वो आपको एज अ हेड यूज करना होता है। सो दिस इज टू सी जीरो, टू सी वन, टू सी टू, दिस इज थ्री सी जीरो, 3C1, 3C2, 3C3 तक जाएगा ये, 3C4 तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे ही x plus y whole power 4, this is 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, x plus y whole power 5, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, x plus y whole power 6, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे अगेन सेम 6C1, फिर ये आ जाएगा 6C2, फिर ये आ जाएगा 3, फिर ये आने वाला है 6C4, फिर ये आने वाला है 5, और सबसे लास्ट में आने वाला है 6C6। तो अगेन C6 है तो 1 ही आने वाला है, C0 है आंसर 1, C1 आंसर हेड यानी कि 6, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। टेल 2 आंसर इज हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, सो 6 इनटू 5 अपॉन 2, 6 इनटू 5 इज 30, 30 अपॉन 2 इज 15। नेक्स्ट दिस 6C3, ये आप कैलकुलेट करके देख लो 100% 20 आ रहा होगा, हेड फैक्टोरियल टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट एंड दिस इज 6 कैंसिल, 5 इनटू 4 इज 20। दिस 6c4 विल बी इक्वल टू 6c2, तो ये सेम ही है, मतलब ये 15 तो ये भी 15, 6c5 टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1 तो 6, और सबसे लास्ट में 6c6 हेड और टेल सेम, आंसर इज 1। क्लियर। आपको एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो रहा होगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग से और लास्ट से जो नंबर्स है ना वो सेम ही है, 1 1 6 6 15 15 20, लाइक 1 5 10 10 5 1 1 4 6 4 1 1 3 3 1। अर्जुन कोई डाउट इसके अंदर बताओ? नो सर। क्लियर। किसी को फिर से एक्सप्लेन करना है तो बताओ इसको कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करोगे आप? नो सर, क्लियर है सर। तो स्टार्टिंग में आपको लिखने होते हैं पावर्स, देन लिखने होते हैं कोफिशिएंट्स। पहले कोफिशिएंट्स पे हम लोग पिरामिड पे डिपेंड थे, लेकिन अभी ऑर्डर पता लग गया हम लोगों की, क्या ऑर्डर आने वाला है। लाइक एक्स प्लस वाई होल पावर 7 लिखना है सपोज, ठीक है, तो अभी 7 ब्रांचेस बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप पावर्स लिख दो, x7 देन x6y, x के ऊपर पावर कंटीन्यूअसली डिक्रीज, y के ऊपर पावर कंटीन्यूअसली इंक्रीज, देन x5y2 देन x4y3, x और कम करो x3y4 देन और कम x2y5 देन xy6 एंड सबसे लास्ट में x0y7। फिर आते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के लिए पैसे पहले पास्कल पिरामिड, लेकिन अभी जस्ट बाइनोमियल, like 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6 और 7c7। like 7c0 आने वाला है 1, तो यहाँ पे आएगा 1, ये भी आएगा 1, स्टार्टिंग से और लास्ट से कोफिशिएंट सेम ही होते हैं। 7c1 ये है 7, इधर भी आने वाला है 7, वैसे भी 7c6 और 7c1 सेम ही होता है। 7c2 tail 2 आंसर इज हेड इनटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, 7 इनटू 6 42 अपॉन 2 यानी 21, ये भी आएगा 21। 7c3, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल यानी कि 35। तो यहां पे आप लिखोगे 35 और यहां पे भी लिखना होता है 35। क्लियर। एक काम करो, इसे नोट करो, फिर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं। Yep.
21 एंड 35 कैसे है सुयश? सुयश आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? सुयश माइक ऑन करके रिप्लाई करो मेरे को। हाँ सर। यार ये एक्चुअली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है। तुम, मैंने ग्रुप पे वीडियो लेक्चर शेयर किए हैं, वो तुम देख लेना, ठीक है? हाँ। तो आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझना पड़ेगा, देन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, फिर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक बार वो देख लेना, कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट जनरल फॉर्म। ओके, लाइक एक्स प्लस वाई होल पावर एन। अब थोड़ा समझने का ट्राई करना है ना, एक्स और वाई कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, 3.2, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेरिएबल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बस ये जो पावर है ना, ये आपके होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 पावर ही होना चाहिए। क्लियर? ओके, सबसे पहले पावर अरेंजमेंट। सबसे पहले x की पावर n, y टू द पावर 0, देन x के ऊपर इंडेक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, लाइक xn, देन आएगा x टू द पावर n माइनस 1 y, देन n माइनस 1 के बाद और डिक्रीज करो इसे n माइनस 2, देन n माइनस 3, देन n माइनस 4, और सबसे लास्ट में डिक्रीज होते 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 0, 0 के पहले 1 भी आ रहा होगा। क्लियर? और ये है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर एज अ यंगर ब्रदर, सबसे पहले इसका इंडेक्स है 0 और इंडेक्स कंटिन्यूअस इसका इंक्रीज होगा। तो पहले y टू द पावर 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, सबसे लास्ट में सारे इंडेक्स, सारे टॉयज इसी को मिलने वाले, यानी y टू द पावर n। तो इसके पहले वाले टर्म में इससे कुछ कम इंडेक्स रहे होंगे, y टू द पावर n से पहले रहा होगा इसका y टू द पावर n माइनस 1। सपोज फॉर इंडेक्स होता 50, तो सबसे लास्ट में y टू द पावर 50 आ रहा होता, उसके पहले y टू द पावर आ रहा होता 49। क्लियर? तो ये पावर अरेंज हो गए। नेक्स्ट है कोफिशियंट्स। कोफिशियंट्स आप स्टार्टिंग करते हो एनसी 0, एनसी 1, एनसी 2, जो हेड होता है ना वही सी 0। तो NC0, NC वाला यहाँ पे 7 था, तो 7C0, 7C1, 7C2 और सबसे लास्ट में 7C7। वही सेम यहाँ पे NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 एंड सबसे लास्ट में NCN, लाइक 7C7, NCN। क्लियर? X को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर, Y को हम लोग बोलते हैं सेकेंड नंबर। अच्छा, अब एक ऑब्जर्वेशन मेरे को आप ये बताओ इसके अंदर कि लाइक ये है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 3। x प्लस वाई होल क्यूब कितने टर्म्स हैं? 4। और x प्लस वाई होल पावर 4 कितने टर्म्स हैं? 5। तो x प्लस वाई होल पावर 7 में कितने टर्म्स आने वाले हैं? 8। करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म्स है। तो x प्लस वाई होल पावर n में कितने टर्म्स आने वाले हैं? n plus 1 टर्म है, है सबसे लास्ट में आएगा 8th टर्म। अर्जुन यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा बताओ x प्लस वाई होल पावर n के अंदर? Tn plus 1। हाँ, ये n plus 1th term होगा। ये clear हो गया ना सभी को? Yes sir। Like x plus y power 7 तो सबसे last में है 7 plus 1 यानी 8th term। Extra term आता है हमेशा। Like x plus y whole square क्या? A plus b whole square के 3 terms होते हैं। A square, 2ab और b square। ऐसे ही x plus y whole power n में एक term extra आएगा, n plus 1th term। एक्चुअली यार ये जो सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये फर्स्ट नंबर की वजह से हो रहा है, एनसी जीरो की वजह से। ये टर्म नहीं होता ना यहाँ पे, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू एन एन टर्म्स ही मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जीरो से हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सबसे लास्ट में है टी एन प्लस 1 यानी एन प्लस 1th टर्म। क्लियर? ये नोट करो एक बार, एक्सपेंशन नोट करो।
तो ये पूरा एक्सपेंशन ऑब्जर्वेशन से ही आया है ना, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका कि इसको डिराइव करके बताओ इस एक्सपेंशन को, कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन इसका जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि x plus y square को observe किया, cube को observe किया, power 4 को observe किया, Pascal pyramid को observe किया, Pascal pyramid से फिर coefficients निकल के आए, उन coefficients को यहाँ पे place किया है, powers किस तरीके से manage होती हैं वो observe किया है, तो ये पूरा expansion observation से ही आता है। पूर्वा any doubt? No sir. अच्छा आपको यहाँ पे हेड टेल और इन पावर्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर और कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, सोचो एक बार सभी। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के हेड एंड टेल और एक्स एंड वाई के जो इंडेक्स है उनमें कुछ रिलेशन ऑब्जर्व हो रहा है तो सोचो। एक्स के पावर हेड है और टेल की पावर वाई की पावर टेल। नहीं ऐसा नहीं है सर, दोनों का डिफरेंस टेल है। दोनों का डिफरेंस नहीं नहीं एक्स की पावर हेड माइनस टेल। हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है, लाइक फर्स्ट नंबर एक्स तो इसके ऊपर है हेड माइनस टेल एन माइनस जीरो, एक्स हेड माइनस टेल एन माइनस वन, एक्स हेड माइनस टेल एन माइनस टू, एक्स हेड माइनस टेल एन माइनस थ्री, सबसे लास्ट में एक्स एन माइनस एन जीरो, उसके पहले एक्स टू द पावर एन माइनस वन यानी कि वन। अच्छा ये समझ में आ गया ना एन सी एन माइनस वन कैसे आ रहा है, लाइक सबसे लास्ट में है सेवन सी सेवन तो उसके पहले आया था सेवन सी सिक्स, सिमिलरली यहाँ पे एन सी एन तो इसके पहले आ रहा होगा एन सी एन माइनस वन, मतलब जस्ट उसे वन कम। ओके एंड अभी और कौन बताएगा यहाँ पर, इधर समरजीत तुम बताओ वाई के इंडेक्स में कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर आ रहा है आपको ऑब्जर्व? सर वाई के इंडेक्स कोएफिशिएंट की टेल है। करेक्ट है, वाई के जो इंडेक्स है ना वो कोएफिशिएंट का टेल है एक्चुअली, लाइक वाई टू द पावर 0, वाई टू द पावर 1, वाई टू द पावर 2, वाई टू द पावर 3 एंड सबसे लास्ट में वाई टू द पावर n। अब इसका देखो बेनिफिट क्या है ना, सबसे पहले मैंने तुम्हें मेथड बताया था कि पहले आप पावर्स अरेंज करो देन कोएफिशिएंट्स अरेंज करो, अभी आपको वो भी नहीं करना है, आप जस्ट स्टार्टिंग करो एन सी जीरो से, और जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर के ऊपर आप अप्लाई करोगे हेड माइनस टेल एन एंड सेकंड नंबर के ऊपर अप्लाई करोगे आप टेल, लाइक यहाँ पे एन सी वन फर्स्ट नंबर के ऊपर एक्स है यहाँ पे हेड माइनस टेल यानी एन माइनस वन, एंड सेकंड नंबर के ऊपर है टेल वन, देन एन सी टू फर्स्ट नंबर के ऊपर है एन माइनस टू और सेकंड नंबर के ऊपर है टू, देन एन सी थ्री फर्स्ट नंबर के ऊपर है एन माइनस थ्री सेकेंड नंबर के ऊपर है थ्री, सबसे लास्ट में एन सी एन फर्स्ट नंबर के ऊपर है हेड माइनस टेल एन माइनस एन एंड सेकेंड नंबर के ऊपर है टेल यानी कि वाई एन। ठीक है इतना नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अभी आपको पास्कल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो हेड सी टेल फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकेंड नंबर के ऊपर टेल, बस काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट भी देता हूं तुम लोगों को मैं, वो भी सॉल्व करना। ठीक है ये नोट कर लो और कोई डाउट है तो बताओ।
Sairaj, any doubt? No, sir. गलती से हो गया. चलो कोई नहीं यार. चलो ओके बाय, इतना ही पढ़ते हैं आज. ठीक है. बाय सर. बाय सर. पढ़ के आना ये सारा, नेक्स्ट टाइम पे काम यूज होगा ये सर. हाँ सर. चलो.